आप सब लोगों को सलाम करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं एक ऐसे माहौल में जिस वक्त डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे छात्रों में, हमारे शिक्षकों के बीच में एक डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं, ये लोग हमें एंटी नेशनल कहते हैं, ये लोग रोहित को भी एंटी नेशनल कहते थे, उनको भी टेररिस्ट कहते थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, छात्रों पर टीयर गैस चलवाते हैं, छात्रों को जेल में बंद करते हैं, छात्रों का सोशल बॉयकॉट करते हैं, उनको रस्टिकेट करके, उनको आउट ऑफ बाउंड करके, रैंडम स्टूडेंट्स को नोटिस भिजवाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ में शिकायत है, तुम प्रॉक्टर ऑफिस में आओ, तुम्हारे खिलाफ में शिकायत है, तुम्हारी उमर से दोस्ती थी, तुमने उमर को फोन किया था, कन्हैया तुम 2012 में कश्मीर गए थे। इस टेरर की स्थिति को जो लोग पैदा कर रहे हैं वो लोग टेररिस्ट है, वो हमें टेररिस्ट करना चाहते हैं, ना कि हम टेररिस्ट है। मुझे लगता है आज चैलेंज ये नहीं है कि हम लोगों की आवाज कैसे पहुंचे, मुझे लगता है कि इतनी दमन की स्थिति में जब हमारे साथियों को जेल भेजा जा रहा है, सेडिशन के चार्ज में फ्रेम किया जा रहा है, आतंकवादी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त भी मैं एक बात को जरूर कहूंगी, हम लोग अपनी प्रिविलेज को जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं। जेएनयू का हर एक छात्र अपनी प्रिविलेज को जरूर रिकॉग्नाइज करता है। और आज चैलेंज ये नहीं है कि हम लोगों की आवाज किस तरह से पहुंचेगी, आज चैलेंज ये है कि इस देश की जो 90% जनता है उसकी आवाज कैसे पहुंचेगी, क्या उसकी आवाज सिर्फ इलेक्शन में वोट देने के दिन सुनाई देगी। किस दिन 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, 33% लोगों ने हिटलर को भी वोट दिया था, क्या उनकी आवाज सिर्फ वोटिंग के दिन सुनी जाएगी और वोट गिनने के दिन सुनी जाएगी, या फिर इस देश में रोज तय होगा जिस तरह से हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर ने कहा कि द नेशन इज अ डेली प्लेबिसिट, हर दिन एक रेफरेंडम होगा, हर दिन लोगों की सहमति होनी पड़ेगी, हर दिन लोगों को नेशन बिल्डिंग में अपना एक्टिव कंसेंट देना पड़ेगा, वो नेशन होगा, ना कि वो नेशन जो लोगों का, वो लोग जो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं लेकिन जगह जगह दंगा करवाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम तो देशभक्त हैं लेकिन जगह जगह एजुकेशन में से पैसा वापस खींच रहे हैं, स्टेट का हाथ वापस खींच रहे हैं, गरीब लोगों को फेलोशिप ना मिले ये इंश्योर कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर विवेक कुमार, आप लोगों में से कितने लोग प्रोफेसर विवेक कुमार को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमारे बहुत प्रिय प्रोफेसर हैं। मैं जब जेएनयू में आई थी तो पहली क्लास मैंने प्रोफेसर विवेक कुमार की अटेंड की थी, पहली क्लास हुई थी, बहुत दुख हुआ जान के, बहुत डर भी लगा और बहुत दुख भी हुआ कि प्रोफेसर विवेक कुमार पर ग्वालियर में राइट विंग के गुंडों ने जानलेवा हमला किया था। इस बात को हम लोग इस पंच से कंडेम करते हैं। आज बात होती है एलीट मुस्लिम की, बात होती है एलीट दलित की, कुछ लोग न्यूज एक्स समेत, न्यूज एक्स एक चैनल है आप लोग जानते होंगे, वो आज एक डिस्कोर्स चला रही है, वो आजकल एक कैंपेन चला रही है, वैसे तो न्यूज एक्स को न्यूज चैनल होने के नाते कैंपेन नहीं चलाना चाहिए लेकिन वो चला रही है, कैंपेन ये चला रही है कि जो दलित अमीर होते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये डिस्कोर्स चला रही है वो, ये पिटिशन चला रही है। आप बात करते हैं एलीट दलित की, एलीट मुस्लिम की, हम लोग बताना चाहते हैं कौन है एलीट दलित। प्रोफेसर विवेक कुमार जो एक प्राइम यूनिवर्सिटी में, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के दर्जे पर है, उन पर जानलेवा हमला होता है ग्वालियर के अंदर और पुलिस कुछ नहीं करती, किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करती, किसी पर मुकदमा नहीं चलता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये है एलीट दलित की हालत। जो लोग कहते हैं कि एलीट दलित है, मुस्लिम बहुत एलीट हो गए, दलित बहुत एलीट हो गए, उनसे पूछने की जरूरत है कि क्या आपने कभी आवाज उठाई कि ब्राह्मण इतने एलीट हो गए हैं, राजपूत इतने एलीट हो गए हैं, क्या उनकी उनके लिए जो अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन है, जो अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन है, क्या आपने उसके बारे में कभी आवाज उठाई। देश में पिछले 20 सालों से नौदारवादी पॉलिसीज आ रही है, न्यूलिबरलिज्म का दौर आ रहा है, जगह जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या उस प्राइवेट सेक्टर में कितने दलित हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने पिछड़े हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं।
आपकी जेलों में रिजर्वेशन है मुसलमानों के लिए, आपकी जेलों में रिजर्वेशन है दलितों के लिए, आपकी जेलों में रिजर्वेशन है आदिवासियों के लिए, वहां पर रिजर्वेशन पूरी होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग में रिजर्वेशन है। सोनी सोरी जो एक ट्राइबल लीडर है उन पर ऐसे अटैक होता है, तो सोचिए साथियों जो लेस नोन ट्राइबल्स है उनका क्या हाल होता होगा, उनके साथ में क्या क्या होता होगा। एचसीयू में जो हो रहा है, एचसीयू में जो हुआ उसका रिपीट हम लोग जेएनयू में देखते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे 8 साथियों को ठीक उसी तरह से डिबार किया गया है जैसे 5 साथियों को एचसीयू में डिबार किया गया था। उन 8 लोगों को जिनको डिबार किया गया है उसमें 2 महिलाएं, 2 दलित, 2 ओबीसी और निहायत ही गरीब घर से आने वाले सब लोग हैं, सब लोग लेफ्ट के एक्टिविस्ट हैं और उन पर जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है इट ओनली कंपैरिजन ऑफ 3 अपर कास्ट मेल्स, उसमें कोई दलित नहीं है, उसमें कोई महिला नहीं है, उसमें किसी भी तरह का इंक्लूजन का प्रिटेंस तक नहीं है। हम लोगों ने रिजेक्ट किया है उस कमेटी को और हमारे टीचर साथियों ने भी रिजेक्ट किया है। लेकिन ये मुमकिन है कि उन 8 लोगों को रस्टिकेट किया जाए जिसमें कन्हैया जो हमारे प्रेसिडेंट है हो सकता है उनका भी रस्टिकेशन हो। लेकिन साथियों इस ऐसे दौर में जिसमें सभी एक्टिविस्ट पर हमला है, अंबेडकराइट एक्टिविस्ट पे हमला है, एचसीयू में जेएनयू में लेफ्ट एक्टिविस्ट पे हमला है, उसमें सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहेंगे, क्या आप हर एक व्यक्ति को एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, आप हर एक व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को इस सरकार को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये लोग इतना चिढ़ते क्यों है स्टूडेंट्स से, ये लोग इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि एक ऐसे दौर में जब सबको डर लगने लगा था बोलने से, उस दौर में स्टूडेंट्स चुप नहीं बैठे,